तो दोस्तों लास्ट वाली एपिसोड में जैसे कि आप लोग ने देखा था कि भाई फ्रैंकलिन और घोस्ट राइडर गए थे साइबेरियन डांसिंग लेडी और उसके आर्मी को हराने के लिए, बट वहां पे साइबेरियन डांसिंग लेडी घोस्ट राइडर से ज्यादा ताकतवर निकली और घोस्ट राइडर को जमीन के नीचे गाड़ देती है। उसके बाद फ्रैंकलिन डर जाता है और वापस नर्क जाता है, जहां पे लूसीफर उसे एक चैलेंज देता है और फ्रैंकलिन वो चैलेंज कंप्लीट करने के बाद फ्रैंकलिन को मिल जाती है गॉड वाली पावर। वो दोबारा आता है और साइबेरियन डांसिंग लेडी की आर्मी को खत्म करने लगता है। तभी साइबेरियन डांसिंग लेडी घोस्ट राइडर को वापस से जिंदा करती है, अपनी तरफ कर देती है और फ्रैंकलिन को बहुत मार मरवाती है। तो गाइस आज के एपिसोड में ये देखेंगे बेचारा अकेला फ्रैंकलिन घोस्ट राइडर प्लस साइबेरियन डांसिंग लेडी से अपने GTA 5 को कैसे बचाएगा। तो गाइस पूरा एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस यहाँ पे ना मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है दोस्तों, आपको तो पता ही है। यहाँ पे यार साइबेरियन डांसिंग लेडी ने जो घोस्ट राइडर को वापस से जिंदा किया है ना, वो गाइस बहुत ही बुरा किया है। अब गाइस मुझे यार घोस्ट राइडर के साथ साथ साइबेरियन डांसिंग लेडी और गाइस उसके आर्मी से भी लड़ना होगा। मतलब कि थोड़ी देर पहले घोस्ट राइडर मेरे साथ में था, मेरे टीम में था, बट गाइस अब यार वो लोग टीम मतलब कि गाइस साइबेरियन डांसिंग लेडी के टीम में आ चुका है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा और मैं यहाँ पे छुप भी रहा हूँ, क्योंकि अगर उन लोग ने मुझे देख लिया तो गाइस वो लोग मुझे भी मार देंगे। घोस्ट राइडर अब से तुम मेरे खास आदमी। जैसा आप कहें, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। आपने मुझे दोबारा जिंदा किया है, आपके हुक्म में मैं नाचूंगा। यही तो मैं सुनना चाहता था। अब साइबेरियन डांसिंग लेडी लॉस सैंटोस में राज करेगी। मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता, समझे। अब तुम लोग एक काम करो, जाओ और जल्दी से फ्रैंकलिन को ढूंढो। वही एक जन है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके अलावा कोई भी नहीं मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जाओ घोस्ट राइडर, ये टास्क मैं तुम्हें देता हूँ। फ्रैंकलिन को ढूंढो और फ्रैंकलिन को मेरे सामने ले आओ। आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। फ्रैंकलिन को मैं आपके सामने ला के रहूंगा। साइबेरियन डांसिंग लेडी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यही तो मैं चाहती हूँ, अब तुम जाओ। फ्रैंकलिन तुम कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मेरी जादुई बाइक, आ जाओ मेरे सामने। जादुई बाइक, मुझे बताओ यहाँ पे फ्रैंकलिन कहाँ पे है, मुझे उसके पास ले चलो। ये रहा फ्रैंकलिन। ओह नो गाइजर, ये क्या, घोस्ट राइडर ने मुझे गाइजर ढूंढ लिया। अब तुम नहीं बचोगे फ्रैंकलिन। ओह नो गाइजर, अब घोस्ट राइडर मुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ चुका है। साइबेरियन डांसिंग लेडी ने उसे टास्क दे दिया कि मुझे यार पकड़ के उसके सामने आना है। गाइस वो मुझे पकड़े उससे पहले मुझे यहाँ से भाग जाना होगा। चलो यार मैं जल्दी से यहाँ से भागता हूँ। घोस्ट राइडर तू मुझे पकड़ नहीं पाएगा चाहे कितनी भी ट्राई कर ले। भागो दोस्तों भागो, मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी बहुत दूर भागना पड़ेगा। अरे कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, घोस्ट राइडर मुझे मार डालेगा। अरे भागो दोस्तों भागो, घोस्ट राइडर मेरे पीछे पड़ चुका है, भागो। कितना भी भाग लो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूँ तुम्हें पकड़ने के लिए। कितना भागोगे। मैं गाइजर भाग रहा हूँ भाग रहा हूँ। तुम कितना भी भाग लो पर तुम बच नहीं पाओगे। फ्रैंकलिन तुम मुझसे कैसे बचोगे। गाइस ये तो मेरे पीछे पड़ चुका है। ये घोस्ट राइडर तुम्हें छोड़ेगा नहीं फ्रैंकलिन, समझे। तुम कितनी भी ट्राई कर लो भागने की। गाइस ये घोस्ट राइडर तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा, ये देखो मेरे पीछे पड़ चुका है। मुझे कुछ भी करके दूर भागना होगा। दोस्तों जल्दी भागो जल्दी भागो, घोस्ट राइडर अभी मेरे पीछे पड़ चुका है। बट गाइस मुझे कुछ भी करके यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। एक सेकंड, मुझे यहाँ पे खटारा सी बाइक मिल चुकी है। प्लीज चालू हो जाओ बाइक, चालू हो जाओ, घोस्ट राइडर मेरे पीछे पड़ा है। अरे वाह ये तो चालू हो चुकी है। चलो गाइस इसे जल्दी से लेके शहर से बहुत दूर चलते हैं, क्योंकि पता है साइबेरियन डांसिंग लेडी ने घोस्ट राइडर को टास्क दिया है कि वो गाइस मुझे जल्दी जल्दी पकड़ के उसके सामने ले आए। बट गाइस ये मैं ऐसा कतई होने नहीं दूंगा। अगर गाइस मैं उसके सामने आ गया तो भाई वो तो मुझे मार ही डालेगी और ये मैं कतई नहीं चाहता। इसलिए मुझे ये शहर से बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो चलो तो गाइस ये शहर से बहुत दूर चलते हैं, चलो। तब गाइस घोस्ट राइडर मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। माफ करिएगा साइबेरियन डांसिंग लेडी, बट मैं वो काम नहीं कर पाया जो आपने दिया था। फ्रैंकलिन पता नहीं कहां भाग गया। तुमसे एक काम दिया गया था लेकिन तुम वो भी नहीं कर पाए। शर्म करो घोस्ट राइडर, अब मुझे ही करना पड़ेगा। सारे के सारे नमूने ही है मेरे टीम में। अब रुको मैं ही कुछ तरकीब निकालती हूँ जिससे फ्रैंकलिन मेरे सामने खुद पे खुद चल के आ जाए। फ्रैंकलिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। गाइस मैं तो जंगल की तरफ आ चुका हूँ, ये तो गाइस पूरा जंगल ही जंगल इलाका है। एक सेकेंड, ये घर मुझे जाना पहचाना लग रहा है।
अरे यार ये तो इवन लन का घर है, ये भी गाजर एक भूत है, इससे तो मैं मदद मांग ही सकता हूँ। मान तो मैंने इवन लन को बहुत पहले परेशान किया है और गाजर मजा भी चकाया है, लेकिन गाजर इस बार मुझे इसकी जरूरत है। क्या पता इवन लन साइबेरियन डांसिंग लेडी को मजा चका दे। इवन लन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज इवन लन मेरी मदद कर दो। इवन लन तुम अंदर हो क्या? इसके घर के अंदर गाजर इवन लन रहती है। इतनी रात तो कौन परेशान करने आ गया? कौन है वो? फ्रैंकलिन तुम? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अरे इवन लन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान मंद रहूंगा, प्लीज मेरी बात सुन लो। मुझे पता है तुम आए हो कि साइबेरियन डांसिंग लेडी के बारे में बात करने ना। अरे हाँ तुम्हें कैसे पता चला? इवन लन को सब पता है, अंदर आ जाओ, अंदर बात करते हैं, इधर आओ। यहाँ पे इवन लन को सब चीज पता है। अरे इवन लन तुम्हें साइबेरियन डांसिंग लेडी के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें पता चला कि मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, घोस्ट राइडर को भी बुलाया नर्क से, लेकिन क्या हुआ, उसने घोस्ट राइडर को भी अपने काबू में कर लिया है। और पता है इवन लन वो ना पूरे लॉस सैंटोस को भूत या लॉस सैंटोस बनाना चाहती है। अब प्लीज तुम मेरी मदद कर दो। चिंता मत करो फ्रैंकलिन, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि साइबेरियन डांसिंग लेडी से मेरा भी पिछला कोई हिसाब बाकी है। अच्छा ऐसी बात है? दोस्तों मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इवन लन गाजर मेरी बात में हाँ कह दी है, मतलब ही गाजर बात मान चुकी है। वो गाजर साइबेरियन डांसिंग लेडी से लड़ेगी और साइबेरियन डांसिंग लेडी को मार देगी, क्योंकि आपको तो पता ही है इवन लन भी भूत है और साइबेरियन डांसिंग लेडी भी भूत है। तो गाजर यहाँ पे हो सकता है इवन लन जीत जाए और गाजर लॉस सैंडर्स को बचा दे। तो इवन लन जल्दी से बताओ कि भाई चलना कब है लड़ाई करने के लिए, अभी चलें? ऐसे नहीं मैं लड़ सकती, मुझे यहाँ पे अपग्रेड होना पड़ेगा। अपग्रेड मतलब कि? मुझे यहाँ पे थ्री हेड इवन लन बनना होगा, तभी जाकर के मैं साइबेरियन डांसिंग लेडी को हरा पाऊंगी। साइबेरियन डांसिंग लेडी बहुत ताकतवर है। अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम अपग्रेड होगी कैसे? थ्री हेड इवन लन बनोगी कैसे? वो तुम्हें करना पड़ेगा मुझे अपग्रेड। तुम्हें नर्क में जाना पड़ेगा और लूसीफर से एक अंडा चुरा के लाना पड़ेगा, जो वो अंडा लूसीफर को पावर देता है। वो अंडा अगर मेरे पास आ गया तो मैं बन जाऊंगी थ्री हेड जायंट इवन लन। उसके बाद साइबेरियन डांसिंग लेडी को मार के लॉस सैंटोस से भगा दूंगी। अच्छा मैं अब सब समझ गया, मुझे गाजर यहाँ पे पहले इवन लन को अपग्रेड करना पड़ेगा और अपग्रेड करने के लिए मुझे गाजर नर्क में फिर से जाना पड़ेगा और लूसीफर से चोरी करना पड़ेगा, लूसीफर का अंडा चुराना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट मांगा तो? नहीं नहीं मांगना मत, अगर तुम मांगने जाओगे तो वो कभी नहीं देगा, तुम्हें उसे चोरी ही करना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी बुरी थी ना पहले, इसीलिए अब तुम्हें अच्छा काम कर रही हूँ, मेरा यकीन करो फ्रैंकलिन। बस तुम मुझे एक बार वो अंडा ला के दे दो, मैं थ्री हेड इवन लन बन गई तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, सिर्फ देख लेना। ओके तो यार मुझे तुम्हारे बात में पूरा यकीन है, इवन लन के बात में गाजर मुझे पूरा यकीन है। तो चलो एक काम करते हैं, भाई लूसीफर को धोखा दे करके उससे वो अंडा ले लेंगे और गाइजर यहाँ पे इवन लन को दे देंगे, जिससे इवन लन अपग्रेड हो जाएगी। ठीक है यार, तुम इवन लन तुम यहीं पर रुकना, मैं जाता हूँ नर्क में और नर्क से लूसीफर से चोरे छुपे वो अंडा लेके आता हूँ। चलो गाइजर, पता नहीं दोस्तों अंदर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यार मैं लूसीफर के साथ गद्दारी करने वाला हूँ, उसका अंडा चोरी करने वाला हूँ, बट गाइजर मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर मैं कुछ ना करूँ तो भाई यहाँ पे घोस्ट राइडर मुझे मार डालेगा, इसीलिए गाइजर मुझे ना चाहते पर भी मुझे गाइजर ये कदम उठाना ही पड़ेगा। तो चलो एक काम करते हैं, जल्दी जाते हैं नर्क के दरवाजे के पास और फिर नर्क में एंट्री लेते हैं, उसके बाद मैं लूसीफर का धोखा दे करके उसी का अंडा उससे चुरा लूंगा। पता है दोस्तों उसके अंडे में ना बहुत पावर है, ये जो मुझे सूट और पावर मिली है ना वही लूसीफर के अंडे से ही मिली है। तो लगता है अगर वो अंडा मैं ले आऊंगा ना तो यहाँ पे इवन लन ना थ्री हेड जायंट इवन लन बन जाएगी, बहुत ही खतरनाक। तो लेट्स गो, चलते हैं पहले नर्क के दरवाजे के पास। गाइज ये देखो हम लोग फाइनली आ चुके हैं, मैंने गाजर नर्क का दरवाजा बंद कर दिया था, अब मुझे फिर से खोलना पड़ेगा। तो चलो खोलते हैं, 1 2 एंट्री। ये देखो मैंने नर्क का दरवाजा खोल दिया, अंदर से गाजर रोशनी आ रही है, अब मुझे अंदर जाना पड़ेगा, लेट्स गो अंदर चलते हैं। दोस्तों ये देखो मैं फाइनली गाइजर नर्क में आ चुका हूँ, अब गाइजर बस मुझे यहाँ पे लूसीफर का घर ढूंढना है और उसके घर से चुराना है वो अंडा, चमत्कारी अंडा। बस गाइजर मेरा काम हो जाए खत्म, उसके बाद मैं वापस से अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। भाई ये नर्क में ना इतनी गर्मी होती है कि मुझे बहुत ही गर्मी लगती है, देख रहो यहाँ पे गाइजर पता नहीं खून की पानी गिरती रहती है। और गाइजर ये जगह इतनी खराब है कि मैं आप लोग को कभी भी ना बोलूंगा कि आप लोग नर्क में जाना, ठीक है? अगर आपको ऑफर मिले तब भी मत जाना, ये जगह इतनी डेंजर है, ठीक है? दोस्तों अब मुझे यहाँ पे लूसीफर का घर ढूंढना है। एक सेकेंड, घोस्ट राइडर की बाइक यहाँ पे क्या कर रही है? लगता है गाजर घोस्ट राइडर मेरा पीछा करते करते नर्क में भी आ गया क्या? ओके मुझे गाजर लगता है इसकी बाइक लेके भागना पड़ेगा, लेट्स गो यार जल्दी से भागते हैं, लेट्स गो गाजर भागो भागो जल्दी भागो। दोस्तों ये सामने कौन है? ओके ये तो घोस्ट राइडर है। फ्रैंकलिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा,
साइबेरियन डांसिंग लेडी ने मुझे काम दिया है तुम्हें पकड़ के लाने के लिए। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे छुपन छुपाई खेलने के लिए आया हूँ। तुमसे मतलब? और ये तुम्हारी बाइक है ना? मेरी बाइक है। लेके मैं भाग रहा हूँ, चलो इसकी बाइक में चोरी कर लिया दोस्तों। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे फ्रैंकलिन? ओ नो गाइजर, ये तो मेरे पीछे पड़ चुका है घोस्ट राइडर। भागो गाइस भागो, मुझे गाइजर यहाँ पे जल्दी जल्दी लूसीफर का वो अंडा चुराना होगा और यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा, तो वरना तो ये घोस्ट राइडर मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। ओ नो गाइजर, ये क्या कर रहा है वो? मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ ये चीज, इसके अंदर तुम्हें रख के मारूंगा और ले जाऊंगा। ओह नो गाइजर, ये क्या, ये तो मेरे पीछे बैठ चुका है। अरे ये कर क्या रहा है घोस्ट राइडर, छोड़ दे। लगता गाइजर ये ना मुझे चैसे नहीं छोड़ने वाला, ये तो मेरे पीछे बैठ चुका है। अरे घोस्ट राइडर मुझे छोड़ दे भाई, एक काम करता हूँ मैं कूद जाता हूँ। ये लो अकेले जाओ, ये भी कूद गया। मुझे यार यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से जल्दी से भागो तो वरना घोस्ट राइडर मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। अरे भागो दोस्तों भागो, घोस्ट राइडर मेरा पीछा छोड़ दे भाई, ये तो मुझे मार ही डालेगा। चलो यार जल्दी चलो यहाँ से जल्दी चलो। मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अरे तुझे करने कौन बोल रहा है मेरा पीछा, छोड़ देना भाई। चलो यार यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। मुझे क्या सर याद आ गया, लूसीफर का घर यार जंगलों में था, तो मुझे पहले जंगलों में जाना पड़ेगा। चलो यहाँ पे कोई गाड़ी मिल जाती ना तो अच्छा रहता। ओके, यहाँ पे मैंने गाइजर गाड़ी का नाम ही लिया था और सामने मुझे गाड़ी मिल चुकी है जो गाइजर बहुत ही कमाल की और कूल है। लेट्स गो यार, इसे जल्दी से लेके चलते हैं। ये गाड़ी मुझे लूसीफर के पास जल्दी जल्दी ले जाएगी। चलो एंड गाइजर ये गाड़ी तो भाई बहुत ही स्पीड भाग रही है। चलो यार अच्छी बात है, इसमें तो कांटे भी लगे हुए। कोई सामने घोस्ट राइडर भी आ गया तो मैं गाइजर उसे ये कांटों से चुभा डालूंगा और उसे भगा डालूंगा। चलो यार जल्दी से चलता हूँ। अब गाइस ये गुफा पार करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे लूसीफर के घर में। लेट्स गो, अब आने वाला बहुत ही मजा। बस मैं यही प्रे कर रहा हूँ कि भाई लूसीफर घर में ना हो। आप लोग भी गाइजर यही प्रे करो, अगर लूसीफर घर में होगा ना तो गाइजर मैं उसका अंडा चोरी नहीं कर पाऊंगा, फिर यार मैं साइबेरियन डांसिंग लेडी को नहीं हरा पाऊंगा और ऐसा मैं कतई नहीं चाहता। इसलिए गाइजर आप लोग जल्दी जल्दी प्रे करो कि लूसीफर घर में ना हो। ओके चलो मैं फाइनली घर में तो आ चुका हूँ। ये देखो ये रहा उसका घर, इतना आलीशान सा बड़ा सा घर है, इसी में गाइजर वो रहता है। चलो अब अंदर चलते हैं, बस मुझे यहाँ पे उसका अंडा चोरी करना है। चलो गाड़ी यहाँ पे पार करते हैं और अंदर चलते हैं, अब आने वाला मजा। यहाँ पे बस मुझे उसका अंडा चाहिए, चलो चलो जल्दी चलो। अंडा गाइजर उसने छुपा के रखा होगा मुझे जहाँ तक लगता है। इधर चेक करूँ क्या? गाइस चलो चेक करते हैं, क्या पता मुझे अंदर अंडा मिल जाए। एक सेकेंड, फाइनली मुझे यहाँ पे अंडा मिल चुका है। ये देखो ये रहा वो अंडा, गोल्डन अंडा है दोस्तों। चलो इसे जल्दी से निकालते हैं। इसे गाइजर निकालने के लिए मुझे गन से इसका सीसा फोड़ना पड़ेगा। 1, 2 and 3 चलो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे अंडा ले लिया है, अब यहाँ से निकलते हैं। एक सेकेंड ये किसका आवाज आ रहा है? फाइनली लूसीफर द मॉर्निंग स्टार आ चुके अपने घर में, आलीशान से घर में। एक सेकेंड मेरे घर में कोई आया है क्या? किसकी गाड़ी खड़ी है? जरूर यहाँ पे कोई ना कोई आया होगा। जो भी मेरे घर में आया उसका इरादा सही नहीं है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कौन आया मेरे घर में? मैं उसे खत्म कर दूंगा मार के। मैं डेविल का राजा हूँ और मेरे घर में कोई आ गया चोरी करने के लिए। गाइस मुझे यहाँ से निकलना होगा। एक सेकंड ये क्या, लूसीफर मिल गया मुझे। फ्रैंकलिन तुम ये अंडा क्यों लेके जा रहे हो? मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम मुझसे ही गद्दारी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। माफ करना लूसीफर, बट मुझे ये अंडा चाहिए, ये अंडे की मुझे जरूरत है, मुझे माफ करना। नहीं मैं तुम्हें अंडा नहीं ले जाने दूंगा, तुम्हें नहीं पता ये अंडा से बहुत बुरा काम हो सकता है, मेरी यकीन करो। नहीं लूसीफर मैं तुम्हारी बातों में यकीन नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे मदद करना एक जन को, जिसके लिए मुझे ये अंडा लेके जाना ही होगा, मुझे माफ करना। लूसीफर सॉरी फॉर दैट, हटो यहाँ से। गाइस यहाँ से जल्दी से मुझे निकलना होगा, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। गाइस मैंने यहाँ पे अंडा रख लिया, अब जल्दी से गाड़ी बैठ तो यहाँ से निकलते हैं। लूसीफर मुझे माफ करना, मुझे यहाँ से जाना होगा तुम्हारा अंडा चोरी करके। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझसे गद्दारी की, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं आ रहा हूँ फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें जाने दूंगा नहीं वापस। रुको तुम मेरा अंडा लेके नहीं जा सकते, रुक जाओ। गाइस एक सेकेंड, ये लूसीफर तो मेरा पीछा कर रहा है, मुझे गाइजर यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। ये लूसीफर कहीं का मुझे अंडा ले जाने इतने इजी तरीके से नहीं देगा, मुझे गाइजर इसे कुछ भी करके चकमा दे करके ये अंडा को लेके जाना ही पड़ेगा। लूसीफर तुम मुझे नहीं रोक सकते। फ्रैंकलिन मैं तुम्हें रोक के रहूंगा, मैं शैतान का देवता हूँ। तू कहीं का भी देवता हो बट तुम मुझे नहीं रोक पाएगा। चलो गाइजर जल्दी से भागते हैं, ये लूसीफर का बच्चा मेरे को यार छोड़ ही नहीं रहा है, मुझे अंडा कितनी जरूरत है इसे पता ही नहीं है। चलो यहाँ से जल्दी से भागते हैं। गाइस लगता है वो मेरा पीछा करना छोड़ दिया है। अरे नहीं वो देखो, वो तो गाड़ी लेके आ चुका है मेरा पीछा करने के लिए। ये लूसीफर का बच्चा मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, मुझे कुछ भी करके इसे भाई छुड़ाना ही पड़ेगा पीछा अपना। लेट्स गो, मैं इसे यार मारूंगा। ये लो मार खाओ, मैं गाइजर इसकी गाड़ी में वार करता हूँ। ये लो
अब गाजर ये मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। मैंने गाजर इसकी गाड़ी का शीशा भी फोड़ दिया। अब गाजर फाइनली चलते हैं अपने घर, मतलब गाजर अपनी दुनिया में, ये नर्क से बाहर। चलो दोस्तों, मैं तो गाजर नर्क से ये वाली गाड़ी भी ले आया। चलो बढ़िया है, अब गाजर जल्दी जाते हैं ईवलन के पास और गाजर ईवलन को अपग्रेड करते हैं। ईवलन, अब तुम अपग्रेड होने वाली हो 3-हेड जायंट ईवलन में। उसके बाद गाजर साइबेरियन डांसिंग लेडी को हम लोग गाजर मजा चकाएंगे। चलो गाइस, फाइनली यार मैं अंडा लेके आ चुका हूँ यहाँ पे ईवलन के पास। ईवलन, मैं तुम्हारा अंडा लेके आ गया, आ जाओ तुम भी। मेरा अंडा आ गया, शुक्रिया फ्रैंकलिन। लाओ मेरा अंडा। हाँ, मैं तुम्हारा अंडा दे दूंगा, बट लेकिन एक बात बताओ, मैं तुम्हें तभी अंडा दूंगा जब तुम मुझे प्रॉमिस करोगी कि पहले यार साइबेरियन डांसिंग लेडी को तुम खत्म करोगी, उसके बाद ये अंडा मुझे वापस लौटा दोगी, जिससे मैं लूसीफर को वापस ये अंडा दे पाऊँ और वो मेरे से नाराज ना हो। हाँ, मैं तुम्हें अंडा वापस कर दूंगी सपने में। हाँ, मैं पहले साइबेरियन डांसिंग लेडी को मारूंगी सपने में। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी सपने में। गाइज, ये ईवलन कुछ अजीब जैसा साउंड कर रही थी, बट लेकिन यार मुझे इस पे यकीन है, ये यार मुझे धोखा नहीं देगी, इसलिए काम करता हूँ, अंडा दे ही देता हूँ। क्यों? हाँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, लाओ अंडा लाओ। ओके यार चलो, मैं इसे अंडा दे देता हूँ। ये लो, ये रहा अंडा। अब आएगा मजा, ये अंडा को फोड़ती हूँ। 1, 2 and 3। गाइस एक सेकंड, ये देखो ईवलन बन चुकी है 3-हेड जायंट ईवलन। वाह ईवलन, तू तो बहुत खतरनाक लग रही है। शुक्रिया फ्रैंकलिन, शुक्रिया। मैं कैसी लग रही हूँ? अब चलो साइबेरियन डांसिंग लेडी के पास। हाँ चलो चलो, साइबेरियन डांसिंग लेडी के पास चलते हैं। आज ईवलन जल्दी से आके गाड़ी में बैठो। गाइस भाई, यहाँ पे ईवलन बैठ चुकी है गाड़ी में, एंड गाइस देखो यार वो गाड़ी के ऊपर बैठी हुई है। अब गाइस यार चलते हैं जल्दी जल्दी साइबेरियन डांसिंग लेडी के पास। उसे नहीं पता कि भाई हम लोग आ रहे ईवलन जॉइंट 3-हेड ईवलन के पास। अब तो गाइस यार साइबेरियन डांसिंग लेडी का होने वाला है पर्दाफाश। लेट्स गो, आज तो गाइस यार साइबेरियन डांसिंग लेडी का किस्सा ही खत्म कर देंगे, और यार अब की बार गोस्ट राइडर भी मुझे नहीं रोक पाएगा। चलो जल्दी चलो। फाइनली गाइस यार हम लोग आ चुके हैं, ये देखो यहाँ पे साइबेरियन डांसिंग लेडी है और गोस्ट राइडर भी ईवलन। इन लोगों को मजा चखाओ। ओए साइबेरियन डांसिंग लेडी, ये देखो मैं लेके आ चुका हूँ तुम्हें हराने के लिए ईवलन को। अब आने वाला है मजा। ये क्या, ईवलन तुम आ गई? अच्छा हुआ तुम आ गई, जल्दी से जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। एक सेकंड, ये क्या बोल रही है? ओए साइबेरियन डांसिंग लेडी, ईवलन तुम्हें मारने के लिए आई है, तुम उसे बुला क्यों रही हो? अरे हाँ, ईवलन तो मुझे मारने के लिए आई है, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो डर गई। माफ कर दो फ्रैंकलिन, मुझे मत मारो। हट, ईवलन पहले से ही मेरे साथ थी, तुम्हें क्या लगा भूत लोग मेरे साथ नहीं देंगे? ईवलन आ जाओ मेरे पास। जैसे आप कहें मैं आती हूँ आपके पास। बेचारा फ्रैंकलिन बेवकूफ कहीं का समझ रहा था कि मैं उसके तरफ से खेल रही हूँ, बट उसे पता ही नहीं था मुझे यहाँ पे नर्क का अंडा चाहिए। फाइनली मुझे मिल गया और मैं ताकतवर हो चुकी हूँ फ्रैंकलिन, शुक्रिया। तुम्हारे बिना मदद के मैं ये कभी नहीं कर पाती। ये क्या, ये हो क्या गया दोस्तों? यहाँ पे ईवलन ने मुझे धोखा दिया है, लूसीफर रोक रहा था मुझे अंडा ले जाने से, लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने गाजर ईवलन पे भरोसा किया, बट गाजर ईवलन ने मुझे यहाँ पे धोखा दे दिया। ईवलन तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी, तुमने मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। साइबेरियन डांसिंग लेडी, ये सब तुम्हारा चाल है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारा बिगाड़ूंगी। ईवलन जरा फ्रैंकलिन को मजा तो चिखाओ। ओ नो ईवलन, मेरे साथ मत कुछ करना, मैंने तुम्हारी मदद की है। हाँ, तो उसके लिए शुक्रिया अदा तो ले लो फ्रैंकलिन, ऐसा मत करना। ओ ये क्या भाई, ईवलन ने मुझे उठा के फेंक दिया। अब यहाँ पे साइबेरियन डांसिंग लेडी का राज होगा। ओ नो गाजर, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने गाजर बहुत बुरा कर दिया है, मैंने गाजर नर्क का पावर ये लोग के हाथों में दे दिया है, जो बहुत बुरी है। गाइस अब मैं क्या करूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने गाजर इतनी बड़ी पावर ये लोग के हाथ में दे दी, जो गाजर लॉस एंडर्स को बर्बाद करना चाहते हैं। अब गाजर मुझे यहाँ पे आप लोग की मदद चाहिए, क्योंकि यार मैंने यहाँ पे लूसीफर से लड़ाई करके वो अंडा गाजर ये लोग को दे दिया। अब लूसीफर भी मेरे से नाराज है, ऊपर से गाजर ये घोष्ट कम्युनिटी बढ़ती चली जा रही है, मतलब गाजर बड़ी होती चली जा रही है। मैं इनसे कैसे लड़ पाऊंगा, आप लोग प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपको जाना है कि आगे क्या होने वाला है, तो इंतजार करिए इसका नेक्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट में गाजर देखते हैं क्या होगा। तब तक के लिए गाजर हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और गाजर ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं गाजर इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।